नासिर आपको बराह रास्त ले चले इस्लामाबाद में शार मलिक मीडिया से गुफ्तगु कर रही है, मुलाहजा कीजिए। उसके उसके जो 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 जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है इस वक्त, यासीन साहब को देख ले, फांसी घाट पे चढ़ाना चाह रहा है हिंदुस्तान। ना लॉयर है, ना फैमिली एक्सेस है, ना कोई उनको जो है फेयर ट्रायल दिया जा रहा है। यूनिलैटरल डिसीजंस दी जा रही है, डेथ सेल में उनको रखा हुआ है। और हम लोग एज अ फैमिली अगर देखा जाए तो हमें कोई एक्सेस नहीं दी जा रही। और ये पूरा जो ये वीक है, ये टिल 18th of December जो उनकी अगली तारीख है, जब तिहार के डेथ सेल के अंदर ही जो है उनके फैसले करने के लिए वो एक अदालत रचा रहे हैं। और वही तिहार की डेथ सेल है जहाँ पे, जो ही जेल है नोटोरियस, जहाँ पे अफजल गुरु को फांसी दी गई, मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई। दोनों जो शहीद हुए उनकी वहाँ पे डेड बॉडीज भी नहीं मिली। ठीक उसी तरह यासीन साहब के हवाले से, क्योंकि हमने पूरा ये जो 8 दिन आ रहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इनके अंदर अगली तारीख तक हमने एक रिगरस कैंपेन करनी है, और वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ मिलके और सिविल सोसाइटी के साथ मिलके हम आज से उसका जो है इनिशियली उसको स्टार्ट करें। ग्लोबली भी सिविल सोसाइटी के अंदर और उसके साथ साथ जितने भी कश्मीरी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और ख़ासतौर पे हमारी हुर्रियत की जो लीडरशिप है, जिसमें आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, जिसमें शबीर शाह साहब हैं, जिसमें फहमीदा सूफी साहिबा हैं, जिसमें और भी बहुत से हमारे जो अहम तरीन शबीर डार साहब हैं, बहुत से रहनुमा हैं जो कि मुसर्रत आलम साहब हैं, जो जो के जिनको कत्ल करने का जो मंसूबा हिंदुस्तान कर रहा है, और उनको उनके भी जो जुडिशल टेररिज्म किया जा रहा है।